हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टेक एंड टूथ वेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग बोया BY-M1 माइक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा ये माइक कैसा है, ये माइक वर्थ इट है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी माइक को क्यों बाय करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब हम लोग हमारे माइक की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा माइक का बॉक्स, इसके ऊपर हमें बोया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, बोया BY-M1 देखा लिखा हुआ मिलता है और सामने हमारे माइक की फोटो देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ हमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे की तरफ हमें एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट फोटो देखने को मिलती है, साइड की तरफ आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है और कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं, पीछे की तरफ आपको की स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है, फीचर्स देखने को मिलते हैं और नीचे की तरफ इसमें आपको प्राइस देखने को नहीं मिलता है और एक बार कोड देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में भी आपको सेम चीज़ ही देखने को मिलती है। अब हम लोग इस बॉक्स को उसकी वजह से पैकेजिंग देखी जाए तो गाइस पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, पैकेजिंग के मतलब फुल मार्क्स बोया वाले को। बॉक्स खोलते ही हमें सामने की तरफ यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पाउच देखने को मिलता है जिसे कि हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसे भी हम लोग साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक मैनुअल देखने को मिली है और हमें बॉक्स के अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि हमारा एक कुछ चाइनीज़ में है। गाइस दिखाता हूँ मैं आपको, क्या है मेरे को तो समझ नहीं आया, शायद ये एक वारंटी कार्ड है जो कि पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है। हाँ गाइस ये वारंटी कार्ड है जिसे फिल नहीं किया गया क्योंकि पता नहीं क्यों ये मेरे को ऐसे ही मिला था। अब हम लोग देखते हैं हमारी मैनुअल। वैसे मैनुअल कौन ही देखता है गाइस, मैनुअल कोई देखने की चीज़ नहीं है, इसको क्या ही मतलब यूज़ करना, लोग वैसे ही स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, तो हम भी स्किप कर देंगे इस पार्ट को। अब हम लोग देखते हैं हमारा ये ब्लैक कलर का ये जो हमें बैग मिलता है इसे खोल के देखते हैं। वैसे गाइस बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतनी मतलब बेकार नहीं है, जितने का आपको ये माइक मिलता है उस हिसाब से बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम पर आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे, आपका माइक कभी ख़राब नहीं होगा। बैग के अंदर हम और क्या क्या देखने मिलता है, हमें बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लिप देखने को मिलती है जिसे कि हम लोग खोल के देख लेते हैं और ये हमें पन्नी के अंदर देखने को मिलती है। क्लिप की क्वालिटी गाइस अच्छी है देखने में मिलती है और क्लिप मेटल बिल्ड है पूरा का पूरा, बस इसमें आपको जहाँ पे माइक होल्ड होता है वो चीज़ इसमें आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, एक एक्स्ट्रा क्लिप दी है इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है, इतनी कुछ उम्मीद नहीं थी इनसे कि ये एक्स्ट्रा क्लिप देंगे पर क्लिप अच्छी दी, अच्छी बात है। और हमें बैक के अंदर का देखने, हमें एक कनेक्टर देखने को मिलता है 3.5 से, ये DJ वाले जो यूज़ करते हैं वो वाला कनेक्टर है गाइस, कि आप अगर कभी एंकरिंग वगैरह करें तो भी इस माइक को आप आराम से यूज़ कर सकें और इसकी लेंथ भी वायर की अच्छी खासी और बैक की क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था सामने की तरफ आपको बोया की ब्रांडिंग देखने मिलती है बैक के ऊपर भी और बैक को आप बंद कर सकते हैं ऊपर से ताकि आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। बैक को रखते हैं साइड और बढ़ते हैं माइक की ओर। अब हम लोग माइक की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा माइक, माइक की क्वालिटी में बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पे मेटल का ये इसका क्लिप ये बहुत मतलब स्ट्रांग है, बहुत फोर्स से खुलता है, ये भी आपको मेटल का देखने, ये आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है बस। वायर की क्वालिटी भी अच्छी है, डिसेंट है, इतनी भी कुछ खास नहीं है। वायर की लेंथ भी चेक करेंगे हम लोग, इसमें आपको बीच में एक ये देखने को मिलता है बोया का ये कनेक्टर टाइप, इसे जो भी कहिए, इसमें आप दो मोड पर स्विच कर सकते हैं, एक होता है कैमरा और एक होता है स्मार्टफोन, दो मोड इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कैमरा और स्मार्टफोन, और यहाँ पर स्विच देखने को मिलता है कैमरा और स्मार्टफोन वाला, और यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे तो आप इसमें लगा सकते हैं सेल्स, कैमरा को यूज़ करते हैं तो इसमें आप सेल लगा सकते हैं, ये तो हो गई इसकी। और इसमें बहुत ही लंबी अच्छी खासी वायर देखने को मिलती है, वायर की लेंथ इसमें बहुत बड़ी देखने को मिलती है, और ये हमारा गोल्डन प्लेटेड 3.5 mm जैक हमें देखने को मिलता है इस माइक के अंदर। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं बोया के BY-M1 माइक से। इसकी वॉइस क्वालिटी आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। इससे पहले मेरे पास एक और माइक था, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले मेरे पास एक ये लोकल सा माइक था जिसकी वायर की लेंथ भी बहुत छोटी थी, इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपको दे रखी है। इसमें भी आपको ये मेटल का देखने को मिलता है और इसमें भी आपको गोल्डन प्लेटेड 3.5 mm की वो देख जैक देखने को मिलती है। अब मैं आपको तीन तरीके से वॉइस सुनाऊंगा, एक इस माइक की वॉइस आपने सुन ली, अब मैं आपको इस माइक की वॉइस सुनाऊंगा, इसके बाद मैं आपको बिना माइक के वॉइस सुनाऊंगा, आपको डिफरेंस आराम से पता चल जाएगा। वॉइस सुन रहे हैं ये आप मेरे पुराने माइक से सुन रहे हैं तो आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा। अगली जो आप वॉइस सुनेंगे वो होगी बिना माइक की। अब ये जो वॉइस सुन रहे हैं आप ये है बिना माइक के। आपने तीनों ही माइक की वॉइस सुन लिया आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, सॉरी दो माइक की वॉइस और एक बिना माइक की वॉइस सुन लिया आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे बड़े बड़े टेक की वीडियोस देखने के लिए। टिल देन गुड बाय।